हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। आज वीडियो नंबर 7 में हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं कि कैसे एक कंपनी बना के डिफरेंट लेजर्स क्रिएट करके हम वाउचर्स की एंट्री करते हैं। रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, जनरल वाउचर, उन सब के बारे में मैं नॉलेज दूंगा। इट विल बी अ स्मॉल सीरीज, 10-12 वीडियोज की एक सीरीज है जो कि अपने आप में एक क्वेश्चन कवर करेगी जो आपके असाइनमेंट में दिया हुआ है। ऑब्वियसली जो पहला क्वेश्चन है उसको देख के आपको लगेगा यार ये तो 11th जैसे अपने 11th में अगर किसी ने अकाउंट्स पढ़ा हो या जनरल एंट्रीज के जो क्वेश्चन मैंने करवाए थे बिजनेस अकाउंटिंग में उसके जैसा है। आई टोटली एग्री विद दिस, बट एक्चुअली वहीं से शुरू कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से जो GST बेस्ड रियल लाइफ वाउचर्स हैं उनसे भी अकाउंटिंग करवाऊंगा मैं, डोंट वरी। ये मैं आपको आगे की बात भी बता रहा हूँ, बट जैसा आपने अभी तक जितना आप मुझसे पढ़े हैं आप समझ रहे होंगे कि सर बिजनेस अकाउंटिंग में भी मैंने यही किया कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, है ना। एकदम से लाइक तूफान नहीं मचाया जा सकता है। और जो स्टूडेंट्स पहले से टैली जानते हैं और फिर मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सर छोटी छोटी चीज़ें तो हमें पता हैं, तो जो आपको लिस्ट ऑफ लेक्चर्स दी गई है उसमें आप देखिए कि मैंने किस लेक्चर के अंदर क्या बताया है और उसके हिसाब से आप अपने लेवल के हिसाब से खुद जज कीजिए कि आपको कौन सी वीडियो से पढ़ना शुरू करना चाहिए। अदरवाइज मेरी एडवाइस सभी स्टूडेंट्स को है कि जितनी भी वीडियोस बनाई गई हैं सब में कुछ ना कुछ तो सिखाऊंगा ही, कुछ ना कुछ बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर आप देख लें तो अच्छा है। और जो पहली बार टैली सीख रहे हैं उनको तो एक एक वीडियो ध्यान से देखनी चाहिए और अगर ज़रा सा भी ज़रूरत महसूस हो तो 2 बार या 3 बार वीडियोज़ को देखना चाहिए। आफ्टरऑल वीडियो क्लासेस से पढ़ने का एडवांटेज ही यही है कि आप हेजिटेट नहीं करते अपने टीचर को ये बोलने में कि सर आप प्लीज़ दोबारा बता दो, यहाँ कोई प्लीज़ नहीं है देखा जाए तो, जस्ट ए क्लिक ऑफ माउस यू वॉच द वीडियो अगेन। और हमारे सॉफ्टवेयर भी इतना अच्छा है, मैं तो ये कहूँगा कि आप उसमें वीडियोस को जो है कितनी बार भी देख सकते हैं, कितनी देर भी देख सकते हैं, तो कोई इंटरनेट नहीं चाहिए तो आप देखते जाइए। नॉलेज बढ़ाना है, देखिए जितनी आपकी नॉलेज हाई होगी लॉन्ग रन में आपको उतना ही जो है डिफरेंट कंपनीज में सक्सेस मिलेगी, है ना। ये तो आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं ऑफिसेज में, और उसके लिए हाथ शुरू से ही टैली के ऊपर एकदम खुला हुआ होना चाहिए, बढ़िया से चलना चाहिए। अब आपने अगर असाइनमेंट देखा होगा तो वहां पर आपको ये वीडियो नंबर 7 नजर आ रही होगी जिसमें बताया गया है कि सम देयर इज सम मेजर्स सोहन, और आपको टैली सॉफ्टवेयर के अंदर इनके वाउचर्स की एंट्री करनी है और फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स तक जाना है। इस वीडियो में तो हम नहीं पहुंचेंगे, लेकिन इस वीडियो सीरीज में, वीडियो सीरीज तो वैसे पूरी ही है लेकिन जो इस क्वेश्चन की वीडियो सीरीज है वो भी जैसे मैंने कहा 10-12 वीडियोस की सीरीज है छोटी छोटी वीडियोस की, तो इसके एंड तक जाते जाते आप लेजर कैसे देखते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे देखते हैं, फाइनल अकाउंट्स जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वहां तक मैं सिखा दूंगा। यानी कि एक तरह से जब ये क्वेश्चन आप पूरा करेंगे तो एक बेसिक नॉलेज आपको हो चुकी होगी कि टैली किस तरह से डिफरेंट फाइनल अकाउंट्स बनाता है। उसके बाद जो अगला इसी तरह की क्वेश्चंस की सीरीज लेंगे तो इस बार मैंने क्या कर रहा हूँ, एक चीज़ ये भी ध्यान दूंगा कि मैं इस बार डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ आपको ज़्यादा। यानी कि अगर आप देखेंगे कि जैसे मैंने अगर कोई डेटर क्रिएट किया या क्रेडिटर क्रिएट किया तो इवन मैंने उसका जो एड्रेस है या उसका कोई सेल्स टैक्स नंबर है या कोई भी चीज़ें हैं वो भी आपको मैंने नहीं दी हैं, ये सोच के कि अभी ये पहला है, बिगिनिंग है, तो एक तरह से मैं इसको वाउचर मोड पे आपको टैली क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। इसमें आगे जाके आप समझेंगे इनवॉइस मोड वाउचर मोड रहता है, इनवॉइस में थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन रहता है, वाउचर में एक तरह से टू दी पॉइंट हम लिखते हैं। तो अभी मैं एक बहुत ही स्मॉलर सिंपल वर्जन आपको करवा रहा हूँ सो दैट आप एक बेसिक रूबरू हो जाएं इस कंसेप्ट से कि टैली में कैसे वाउचर एंटर करते हैं डिफरेंट। तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपके असाइनमेंट में भी होगा हमने किया है। अब अगर शुरू कैसे करें, कई बार ये भी होता है कि जैसे मान लेते आप किसी ऑफिस में पहुंचे, अब 99% तो उस ऑफिस में पहले से अकाउंटिंग चल रही होगी, है ना, लेकिन आप इमेजिन करें कि आपने किसी अकाउंटेंट के यहाँ नौकरी की, अब उसके पास एक नया क्लाइंट आया, फिर तो उसकी नई कंपनी बनानी पड़ेगी ना। दोबारा बोलता हूँ, अगर आपने किसी ऑफिस में किसी कंपनी में एज अकाउंटेंट ज्वाइन किया फिर तो उस कंपनी के अकाउंट्स ऑलरेडी बन रहे होंगे, आपको नए वाउचर उठा के आगे एंट्री करनी होगी जो ऑलरेडी हो रखी है उनको ऑब्जर्व करने के बाद, अपने सीनियर से कंसल्ट करने के बाद। लेकिन अगर आपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट के पास ज्वाइन किया है, उनके पास तो बहुत सारी फाइलें होती हैं, 10, 20, 50, 1000, 2000 कितनी भी फाइलें होती हैं, तो उनके पास नई फाइलें भी आती रहती हैं। हो सकता है कि वो अकाउंटेंट आपको कोई छोटी फाइल पकड़ाए, किसी स्मॉल बिजनेसमैन का डेटा अकाउंट्स बनाने के लिए दे, जस्ट ताकि ये वो इस बात को जज कर सके कि आप अकाउंट्स बना सकते हैं या नहीं, है ना।
तो ऐसे में आपको किस तरह से क्रिएट करना है? तो सबसे पहले तो एक क्रिएट अ कंपनी, वो बात अलग है, हम ये सीख चुके हैं, बट सीखने के बावजूद अब हम सबसे पहले एक कंपनी ही क्रिएट करके देखते हैं। दिस इज़ आर फर्स्ट जॉब। हमने आइकन को क्लिक किया और आप जानते हैं कि कंपनी क्रिएट करने के लिए हम इस पर, ये जो लेफ्ट में लिखा है गेटवे ऑफ टेली, है ना, तो देखा जाए तो ये हमारा सबसे पहला इमेज जो है वो आपके, ये इंपॉर्टेंट इमेजेस जो हैं वो आपके असाइनमेंट में भी दी गई हैं। सो दिस इज़ माई फर्स्ट इमेज। तो 9.1 ये इमेज कैसे, सॉरी 7th, दिस इज़ वीडियो नंबर 7, तो 7.1 इमेज हो गई कि ये दिखाना कि यहाँ से हमने क्रिएट किया। उसके बाद आपने कहाँ जाना है, आपने क्रिएट कंपनी पे जाना है। सो दिस कैन बी आर सेकेंड इमेज कि इसको यूज़ करके हमने जो है वो आगे बढ़ना है। दिस इज़ हाउ वी हैव टू प्रोसीड। सो दिस इज़ माई सेकेंड इमेज 7.2। नाउ अब इसमें देखिए कि जो डेटा मैंने आपको क्वेश्चन में दिया है वो एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद फिर हमारी थर्ड इमेज आएगी जो पूरी भरी हुई होगी। तो यूज़ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ मेजर्स सोहन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नाम ही एंटर करते हैं, दिस इज़ मेजर्स सोहन, राइट, एंटर। एड्रेस के लिए इसमें दिया गया है इट इज़ A3/215, देन सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली, ठीक है। कंट्री तो इंडिया है ही, स्टेट दिल्ली, पिन कोड 110085 विच इज़ गिवन, फ़ोन नंबर दैट्स अवेलेबल, फ़ोन नंबर इज़ 011-2904-3690, राइट, एंड देन मोबाइल नंबर इज़ आल्सो गिवन, इट इज़ 9099-222-549। फैक्स नंबर इज नॉट अवेलेबल, ईमेल आईडी इज यस, इट इज sohan@ngpeducation.com। देखिए आमतौर पर ईमेल्स जो हैं वो जीमेल या याहू की होती हैं, बट जो अगर कंपनी ने अपनी कोई ऑफिशियल वेबसाइट बनाई हुई हो तो उसकी ईमेल आईडीज इस तरह से होती हैं। जैसे अगर हमारी ऑफिशियल, वन ऑफ दी ऑफिशियल वेबसाइट है ngpeducation.com, तो उसमें हम अलग अलग नामों से भी इस तरह से ईमेल आईडीज बना सकते हैं। ये जीमेल की आईडीज नहीं होती, इनको कॉर्पोरेट ईमेल आईडीज भी बोल सकते हैं आप। और एंटर करते हैं, वेबसाइट कोई नहीं है, पीरियड 1/4/17 से ही इसको शुरू करना है, अभी हम सिक्योरिटी कंट्रोल्स नहीं सीख रहे हैं, तो इसमें हम आगे बढ़ते हुए। तो दिस इज़ द स्क्रीन, तो एक तरह से दिस विल बी माई थर्ड इमेज 7th वीडियो की, एंड यस इसको मैंने एक्सेप्ट किया। तो अब आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पर, ध्यान से देखिएगा, ये लेफ्ट साइड पर मेजर्स सोहन है ना, ये आपको फोर्थ इमेज की फॉर्म में दिखाया गया है, आप अपने असाइनमेंट में देखेंगे। तो इस तरह से ये एक कंपनी की फॉर्म में आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रही है, मेजर्स सोहन, और इसमें लिखा भी है नो वाउचर्स एंटर्ड। सो दिस इज द फोर्थ इमेज जिसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की। नाउ अब हम कंपनी क्रिएट कर चुके हैं, अब सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो हमें एंट्रीज करनी है इसके अंदर जो जनरल एंट्रीज के रूल्स थे, वैसे तो मैं बिलीव करता हूँ कि आपने इतनी मोटी मेरी बिजनेस अकाउंटिंग की बुक मोर देन 200 एंट्रीज कर ली है, तो आपको जनरल एंट्रीज रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी 2 मिनट लगा के मैं आपको जनरल एंट्रीज के डेबिट क्रेडिट के रूल्स बता देता हूँ। तो जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, चाहे कैश है, बैंक है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कुछ भी है, उनके अंदर हमारे यहाँ क्या रूल रहता है कि आपको डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। आपको याद होगा इसी पैटर्न पे मैंने आपको करवाया था। आप में से कुछ स्टूडेंट जिन्होंने मेरी बिजनेस अकाउंटिंग की बुक नहीं पढ़ी होगी, मे बी इन रूल्स को देख के थोड़ा सा डगमगाएंगे, क्योंकि उन्होंने, हो सकता है कि जो पहले ट्रेडिशनल रूल्स चलते थे रियल पर्सनल नॉमिनल करके, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वो सब पढ़ रखे हों। एक्चुअली मैंने अकाउंटिंग की लेटेस्ट बुक्स देखी थी, उसमें जो लेटेस्ट मॉडर्न अकाउंटिंग टेक्निक्स हैं, मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम हैं, रूल्स हैं, उनके अंदर ये 5 रूल बताए गए हैं बजाय पुराने 3 के। यानी अब वो रियल पर्सनल नॉमिनल खत्म कर दिया गया एक तरह से, और उन रूल्स को भी छोड़ दिया गया। वैसे अगर आप उन रूल्स के हिसाब से भी करेंगे तो ठीक आएगा, ऐसा नहीं कि वो रूल अब चेंज हो गए हैं या गलत हो गए ना, लेकिन अब उनको एक तरह से पेश करने का तरीका चेंज कर दिया गया, और मैंने नए तरीके से बिजनेस अकाउंटिंग पढ़ाई थी और मैं उसी तरीके को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि या तो फिर आप बिजनेस अकाउंटिंग के मेरी उस बुक में से किसी तरह से उसको पढ़ लें, अगर आपने वो नहीं पढ़ी है, आपने पढ़ी है तो आपके लिए वही चीज़ें होंगी जो मैंने आपको पहले पढ़ाई हैं, है ना। तो
तो इसके हिसाब से हमारी एसेट्स में इंक्रीज को हम डेबिट करते हैं और डिक्रीज को हम क्रेडिट करते हैं। जैसे अगर कैश कम हुआ है तो हम क्रेडिट करेंगे, बैंक इंक्रीज हुआ है, कोई नया फर्नीचर खरीदा है तो हम उसको डेबिट करेंगे। इसी तरह से एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को भी हम डेबिट करते हैं, यानी कि जैसे हमने सैलरी पे की, वेजेस पे किया, और सबसे इंपॉर्टेंट है परचेजेस। इसमें बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं, परचेजेस को वो कई बार ऐसे सोचने लगते हैं जैसे कि हमें स्टॉक वाली ट्रीटमेंट देनी। नो, अगर आपने सामान खरीदा है बिजनेस में बेचने के लिए तो उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट कीजिए, यानी एक्सपेंस वाला रूल लगेगा। तो इंक्रीज को आप डेबिट कीजिए और डिक्रीज हमारा क्रेडिट होगा, यानी परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगी। इसी तरह से और भी खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे मैंने कहा रेंट हो सकता है, सैलरी है, वेजेस है, इंश्योरेंस, कुछ भी एनी एक्सपेंस आप उसको डेबिट कीजिए। इसी तरह से लायबिलिटीज, आपने कोई लोन लिया हो, उधार में माल खरीदा हो, है ना, क्रेडिटर्स आपने क्रिएट करने हैं, तो वो सब क्रेडिट होते हैं। कैपिटल एंड लायबिलिटी, ये दो चीज़ें आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, ये आपने क्रेडिट करनी है। इसी तरह से कैपिटल के अंदर भी कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स को हमने क्रेडिट करना है, और रिवर्स अगर हो जाए, यानी कि अगर लायबिलिटी हमने रीपे कर दी तो एक तरह से लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, तब आप डेबिट करेंगे। ऐसे ही लॉस अगर हो जाए, है ना, तो हमारी कैपिटल कम हो जाती है, अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल बढ़ती है, और लॉस हो जाए तो कैपिटल कम हो जाती है, तो इन दैट सिचुएशन आप उसको डेबिट करेंगे। एंड रेवेन्यूज, मेनली इसके अंदर सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट रेवेन्यूज में है सेल्स। सेल्स में हम क्या करते हैं, सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं। मैंने जानबूझ के जो है दो चीज़ें जिनको डेबिट करते हैं उनको पहले लिखा, यानी आपको ये याद रखना है कि एसेट्स एंड एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं एंड लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू को क्रेडिट करते हैं। दैट इज हाउ वी डू आवर अकाउंटिंग। बाकी अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इनके एक्सप्लेनेशन को भी स्टडी करेंगे, मैं सारा एक बार दोबारा से समझा दूंगा। जिन स्टूडेंट्स को जनरल एंट्रीज क्लियर हैं वो वीडियो नंबर 8 स्किप कर सकते हैं, ये बात मैं वीडियो नंबर 8 की स्टार्टिंग में भी बोल दूंगा, अदरवाइज वीडियो नंबर 8 में तो मैं सिर्फ जनरल एंट्रीज ही समझाऊंगा, ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रहा था कि जब आप एक अकाउंटेंट बनते हैं और किसी कंपनी में काम शुरू करते हैं तब सबसे पहले आप कंपनी क्रिएट करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर ये कंपनी जो है वो क्रिएट करी मेजर सोहन, और दैट इज़ माय मेन इंटेंशन कि आपको ये बताना कि इस तरह से आप डिटेल्स लेके कंपनी क्रिएट करते हैं। और दूसरा एक इस वीडियो में मेरी इंटेंशन थी कि आपको एक बार डेबिट क्रेडिट के रूल्स दोबारा से बता दूं, रिवाइज करा दूं। 1% हो सकता है कि बिजनेस अकाउंटिंग की बुक आपके ऊपर नीचे रखी हो, आपके हाथ में टैली की ही बुक हो, तो एक तरह से इसमें वो रिविजन आपकी हो जाएगी, ठीक है। चलिए जी, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।